ठीक है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 12 को ट्राई किया उनके डाउट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो शायद शीट में हमने किया ही हुआ था, ये डाउट है पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिन्होंने ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी ओके, 3 एंड 4th, ओके 4th, 3 चार्जेस, आपको 3 चार्जेस गिवन है, एक चार्ज कितना गिवन है 2q, एक कितना गिवन है माइनस क्यू और एक कितना गिवन है क्यू, 3 चार्जेस हैं एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंटर मीन सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सिमेट्रिकल बॉडी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमेट्रिकल बॉडी है, पर प्रॉब्लम यह है कि सिमेट्रिकल बॉडी के कॉर्नर पे क्यू 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 चार्ज नहीं है, अनइक्वल चार्जेस हैं। तो अगर सिमेट्रिकल बॉडी के आसपास अनइक्वल चार्जेस हैं, ध्यान आगे अनइक्वल चार्जेस हैं, और मुझे ई निकालना है, ई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, क्या रखते हैं, प्लस 1, तो ये माइनस क्यू इस प्लस 1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ई लगाएगा, ये माइनस क्यू भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, ई लगाएगा, ये 2q इस प्लस 1 को क्या करेगा, रिपेल, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, तो सबको पता है कि इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट वेक्टर नीचे आएगा और इन दोनों को ऐड करके कम से कम आंसर 0 तो नहीं आएगा, तो ई की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी, नॉन जीरो रहेगी। क्लियर है यहां तक, ई नॉन जीरो रहेगा। आगे अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू यहां पर क्या पोटेंशियल लगाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught minus q divided by r, ये minus q लगाएगा, exactly same लगाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught minus q divided by r, और ये 2q क्या लगाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught 2q divided by r, add कर लो, answer क्या आएगा, 0, तो potential 0 आएगा और electric field यहाँ पर non-zero आएगा। question number 5 में doubt, 5 clear है, question number 6 में doubt, डाउट, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस गिवन इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, एक स्फेयर है, स्फेयर के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना, 120 वोल्ट है, इट इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड अनदर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस गिवन, कैलकुलेट पोटेंशियल टू विच बिगर स्फेयर, ओके ये अभी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आज हम एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है शेल्स, आज स्टार्ट करते, तो ये शेल्स और स्फेयर्स का टॉपिक है, तो शेल्स और स्फेयर्स के केस में हम थोड़ा भी इसको अभी नहीं कर पाएंगे, तो इसको छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 7 में डाउट है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन इज कि 2 पॉइंट चार्जेस 100 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो ए और बी के ऊपर 100 और 5 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने प्लेस कर दिया, राइट, ठीक है, तो ये प्लेस किया, एक सेकेंड, जल्दी, ये 5 बजे के आसपास ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्लास खत्म होती है, प्लस 1 फर्स्ट वीक ऑफ जून के एंड में स्टार्ट होगा, मीन 6 7 5 6 7 एंड डेज रहेंगे, 5:30 क्लास स्टार्ट होगी, 7:15 खत्म होगी शाम को, इवनिंग कल आई तो कल नॉन मेडिकल स्कूल लेवल, ठीक है, तो ये पैरेलल चलेगा, एनसीईआरटी मींस सब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट है पेपर का और कंपटीशन मींस ऑब्जेक्टिव, तो हम दो अलग अलग फॉर्म करते हैं, एक ही टॉपिक के दो टेस्ट होते हैं, इसकी तैयारी अलग है, इसकी तैयारी अलग है, पैरेलल चलती है, इसका टेस्ट और जो प्रिंट आउट है इसके, आपको क्या करना है, फर्क नहीं है,
यहाँ डेफिनेशन नहीं आता, सीधा एक सिनेरियो देगा, सिचुएशन देगा, उसको आपको उसके इसको सॉल्व करना है सिचुएशन को। आप तो आईसीएसई से, आपको तो ज़्यादा आइडिया होगा आईसीएसई की फिजिक्स मोशन वगैरह आपने किया हुआ है, ठीक है। तो और इसके मैं या नंबर दोनों वो सामने नेहा मैम बैठे हैं, वो 12 बजे आते हैं यहाँ पे, एक घंटा आपको उनके साथ भी लगाना पड़ेगा। मेरी तो क्लास लगाओगे लगाओगे, एक घंटा वो के साथ बैठ आती हैं और पढ़ना पड़ेगा घर। अब ये पता नहीं सर ये उस कैटेगरी में है, पर हमारे पास आप उसकी टेंशन मत लो। ग्यारह टेंट है नहीं कर पाओगे, सही है, पर तो करोगे क्यों नहीं करोगे, तो डन बिल्कुल करेगा, कोई टेंशन। जॉइंट पेपर मार तो फिर एडवांस का पेपर आएगा, तो हमारी मेरी अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर सारा पेपर जॉइंट आएगा, पीसीएम का मैं भी लेगा जॉइंट। हाँ उनका ये है कि उनका अभी सितंबर में ले लेंगे वो, या अभी ले लेंगे, बस हम फाइनल टच जब देते हैं फिनिशिंग तब करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा ही है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा देना, इसकी कहीं करवानी है तो, मान लो अगर आपको ये डाउट है पेपर्स का तो फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा दो, वो आपके ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ फिजिक्स है, सिर्फ फिजिक्स है, 2003 से। क्या नाम सर, कितने सर, अच्छा मुझे तो टाइम हो गया सर, फिर तो उस टाइम तो मैं जॉब भी करता था, उस टाइम की बात है ये। हाँ जी सर 2003 से ही कर रहा हूँ सच्चाई है सर, देखो अपनी वो है मर्जी है, मैं बता सकता हूँ कि मैं 2003 से पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, अगर ना पढ़ाया तो प्लस टू का बैच बनता ना कभी भी, ये प्लस टू का बैच है, ऐसे दो बैच ये बच्चे भी तो आपको ये तो कर मैं चलूंगा कंपटीशन से, मैं अपनी क्वालिटी नहीं कर सकता कि कोई बच्चा कमजोर बैठा है वो कहे जी नहीं जी मैं तो उसको, ऐसा नहीं होगा। उसके ऑप्शन है स्पेशल क्लास वही लगाएगी जो नहीं चल पा रहा, तो मैंने एक अच्छे स्टूडेंट पर रिजल्ट देना है सर। वैसे तो 12-12 की ना 4 इंस्टॉलमेंट लेते थे, पर इस बार क्योंकि लेट सेशन है तो ये ना 11-11 करती है, तो 11-11-11 के 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं 44, ठीक है। तो सॉरी मैं अभी मैं एक सेकेंड ब्रोशर देना मेरा वाला फ़ोन नंबर इस पर है। तो विशाल क्या कर रहा है, अच्छा अब तो सर काफ़ी टाइम हो गया
ठीक है सर, सही। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, कोई है नहीं, पर आप मतलब उस चक्कर में अगर ना पढ़े ज़्यादा बेटर है, तीन ही टीचर कौन पढ़ाएगा, क्योंकि पढ़ाना टीचर नहीं है कोई, ये तो है नहीं कि सिर्फ टेस्ट सिस्टम। टेस्ट में क्या दिक्कत है, टेस्ट में ऑनलाइन जितने मर्जी टेस्ट हो यार, हमारे टेस्ट ही नहीं, इतने टेस्ट हैं। लिटिल फ्लावर की ऐसी बात नहीं है। सुनीता मैम है, सुनीता मैम तुम्हारे वहाँ, उनका बेटा भी पढ़ के गया है। सुनीता मैम, सुनीता मैम आपके स्कूल में, मुझे पता नहीं सुनीता कोई होंगी, मुझे सब्जेक्ट नहीं पता यार, नहीं पुरानी है, 4 साल पहले लड़का पढ़ाया मैंने उनका। हाँ, उनका बेटा अभी मेरे पास, दीपक सर उनका बेटा भी पढ़ के गया है, तो ऐसे तो हाँ ठीक है सर। नहीं सॉरी सर, मैं थोड़ा सा, हाँ जी मैम आपका ठीक है सर, स्टूडेंट तो अच्छा है सर। देखो इस अंदर 2 पॉइंट चार्जेस 105 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, ध्यान आगे प्लीज ध्यान आगे, ए और बी के ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं 105 और आपको ये डिस्टेंसेस सारे गिवन है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसिंग द चार्ज 5 माइक्रो कूलम फ्रॉम बी टू सी, ध्यान बी से लेके सी तक हमने चार्ज को उठा के रखना है, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये क्वेश्चन है, और क्या लॉजिक था, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज कितना कितना 5 माइक्रो कूलम। ये 5 माइक्रो कूलम जो चार्ज है ये एक एक्सटर्नल चार्ज है। देखो दो चार्जेस तो आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, एक 100 और एक 5, जो यहां और यहां पड़े हुए थे, हमने किसको उठा के रखा 5, तो वर्क डन अपॉन 5 इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, बी से लेके सी तक जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि वी सी माइनस वी बी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक वी सी माइनस वी बी समझ क्लियर है, ठीक है। तो वी सी और वी बी देख लें, सी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा, सी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा, 100 लगाएगा। सी पॉइंट पर पोटेंशियल और बी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा, 100 लगाएगा। 5 माइक्रो कूलम को क्योंकि उठा के रख दिया, तो जिस चार्ज को हमने उठा के रख दिया वो पोटेंशियल कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो वो पोटेंशियल नहीं लगाएगा, तो 100 100 लगाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज आपके पास आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हूज डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड वेरीज एज, ई रेडियली आउटवर्ड का जैसे क्यू चार्ज है तो बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और इट E is taken as positive if its direction is away from the origin. तो origin से away बाहर की तरफ है. Then the work done by electric field on 2 coulomb charge if it is taken from 1,1,0 to 3,0,0. तो अगर मैं चार्ज को इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट पे लेके जा रहा हूँ तो मुझे अमाउंट ऑफ क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है. अब मुझे पता है ये E है और ये R है. E और R का अगर मैं एरिया निकालूं तो E डॉट डी आर, ई इंटू आर, ई इंटू आर का मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही लॉजिक है. तो यानी कि अगर मैं E का और R का क्या निकालूं, इसका एरिया निकालूं, ये देखो ये एरिया निकालूं और इंटीग्रेट कर दूं तो इसका एरिया माना जाएगा, जैसे याद है वो थर्मोडायनेमिक्स में पी डी वी की इंटीग्रेशन, तो इसमें पी डी वी की जगह ई डी आर की इंटीग्रेशन, तो ई डॉट डी आर इसकी इंटीग्रेशन, ये आपको क्या देगा, इसका एरिया देगा, राइट. अब कहाँ से कहाँ, 1,1,0 से 3,0,0, तो इसका 1 i कैप, 1 j कैप, 0 k कैप, 3 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप. तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका इसका क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा. तो आपको डिस्टेंसेज भी पता लग गए इसमें, तो यानी कि आपको कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, डिस्टेंस पता लग गए, एक क्या आ गया 3, एक क्या आ गया √2. तो आप इसका मतलब इसने जो
कोऑर्डिनेट्स बना रखे हैं तीनों, और रूट टू एग्जाम सही बना रखे हैं। तो यानी कि हमने अपना क्वेश्चन कहां से कहां करना है, बस इस लाइन के लिए सॉल्व करना है, ये नहीं करना, ये करना है। क्लियर है यहां तक? तो अगर आपको ये करना है तो इसका अगर वर्कडन निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर आंसर। तो वर्कडन आ गया, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, सॉरी। हमने वर्कडन निकालना है, वर्कडन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्कडन इज चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं? टू। इस टू को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो लॉजिक क्लियर है? असल में प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में एक ही थी कि ये तीन और रूट टू वाली, ये तीन रूट टू कोऑर्डिनेट्स के साथ मैच नहीं हो रहे थे। वो कैसे मैच हो रहे हैं समझ में आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है तीन और रूट टू? ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप अगर ये ना समझ पाएं तो एरिया पूरे का पूरा निकाल आएंगे, ये गलती हो जाती है, और एरिया पूरा निकलेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको एरिया सिर्फ इतने पोर्शन का निकालना है, ये समझ में आता है सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, ओके ठीक है। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 12 के बाद थर्टीन कितने लोगों ने ट्राई की? नहीं की, कम की है, ओके आसान है वैसे ही, ऐसी बात नहीं है, और इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस पे है। चलो इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, अभी रुको दो मिनट, मैं लेक्चर को थोड़ा सा पहले आगे ले जाऊं। शीट नंबर 24 हमने स्टार्ट करनी है, चेक करना कौन सी करनी है, 23 तक कम्प्लीट है, यहाँ से करना है 23, ओके। शीट नंबर 24 देखो, इस शीट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगेन कुछ और क्वेश्चन जो पेंडिंग क्वेश्चन हैं वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। प्लस टू का पेपर हुआ कल फिजिक्स का, मतलब कैसा आया मालूम है? नहीं आया। कौन कहता है मुश्किल आया? मेरे हिसाब से, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ना, इससे आसान पेपर मैंने अपने ज़िंदगी में देखा ही नहीं होगा, इतना आसान। सुन लिया? मुझे नहीं पता तुमने किससे पूछा, मेरे से पूछ लो, मैंने इतना सीधा पेपर कभी नहीं देखा। मैं आपको शीट बाय शीट बता दूंगा, ये क्वेश्चन इस शीट नंबर में से पढ़ा हुआ है, इतना आसान। मतलब हमने पेपर देखो, कई पेपर मैं खुद बोलता हूँ एनसीईआरटी मुश्किल पेपर डालता है, हमें नहीं पता होता कि कब डालता है, किस साल में डालता है, लेकिन वो तो पेपर के बाद ही पता लगता है शाम को, और अखबार के अंदर भी आता है न्यूज़पेपर में कि भाई फिर इसका पेपर मतलब है ट्रिकी, ऐसा आता है पेपर में जिस साल आता है। तो मेरे हिसाब से तो पेपर बहुत सही आ रहे हैं इस बार, और थे भी चार तो यूनिट थे टोटल, उसमें से भी 25% सिलेबस कटा हुआ था, मतलब इससे छोटा सिलेबस तो मेरे ख्याल से किसी ने स्टडी किया ही नहीं होगा प्लस टू में हिस्ट्री में। चार यूनिट कोई कहे यार लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कंप्लीट भी हो गया, ऐसे ही दो और करने हैं, इतना ही सिलेबस था बस, और उसमें अंदर भी सिलेबस के काफ़ी पोर्शन कटे हुए थे, तो आसान पेपर था, तो इतना मतलब वो नहीं था। तो कहने का मतलब आसान मतलब कि ये है कि जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए आसान था, इसका मतलब ये नहीं था सर ने कहा आसान, तो आसान है यार क्या टेंशन है कर लेंगे। आसान का मतलब जिसने दिल से सीबीएसई की तैयारी की उसके 90 से ऊपर आएंगे, 95-90 इस कैटेगरी में जाएगा वो, जो नहीं पढ़ रहा हाँ वो फेल नहीं होगा, वो पास हो जाएगा, इतना क्या है ऐसा। आसान का मतलब ये होता है, आसान का ये नहीं होता कि चलो तेरे भी 90 मेरे 90 सबके 90 90 90, ये नहीं होता आसान की डेफिनेशन है, क्योंकि बहुत बच्चा मेहनत करता है एक साल, और जब उसके 90 के 89 रह जाते हैं ना एक नंबर से तो उसको बहुत चुभता है। 90 जो 95 की कैटेगरी का बच्चा है ना उसका एक 89 उसको पूरी ज़िंदगी चुभता रहेगा कि 89 आ गए मेरे, हालांकि नंबरों की रेस नहीं है कोई भी, ऐसे ही उसको मन से लगता है कि यार भाई 9 की लाइन में आने चाहिए किस तरीके से, ऐसे होता है ना। तो आप अगर ढंग से तैयारी करें और सैम्पल पेपर प्रॉपर करें, पुराने पेपर करें, तो बढ़िया रिजल्ट आता है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, बस ये याद रखना, डेली पढ़ना। टेस्ट आज भी टेस्ट है, ट्यूसडे को भी टेस्ट है, टेस्ट ही टेस्ट है, तो टेस्ट ही टेस्ट है। 100 से ऊपर टेस्ट रिपोर्ट कार्ड में दिखा दूंगा आपको, तो 100 बहुत होते हैं टेस्ट यार, 365 दिन में 100 टेस्ट बहुत है, रट जाएगी फिजिक्स को टेंशन में टेस्ट ले लेके, ठीक है। अभी तो एक एक दो तो फ्लक्स का दौरा हो रहा है, अभी तो पता नहीं कितने ही होने हैं फिर से दौरा दौरा फिर से अगेन रिपीट रिपीट, बोर हो जाओगे बुकलेट से, यही तो करवाना है कि सब कुछ याद हो जाए। देखो
एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑफ 300 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मेरी तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. वैसे नॉर्मली ना इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ही जा रहे होते हैं. ये पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आ गया. यहाँ थोड़ा ट्रिक है, हमें आदत यहाँ काम करने की है, हमें आदत ऐसे काम करने की नहीं है. मैं बताता हूँ उसने क्या किया, ठीक है. अब वो कह रहे हैं ए बी सी, इसमें तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं. कोई मुझे बताएगा अगर मैं एक लाइन खींच दूँ ए और बी में से, तो ए और बी का पोटेंशियल विल सेम रिमेन सेम या नहीं? सेम. क्यों? उस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल लाइन, राइट, इक्वी पोटेंशियल लाइन. आगे तो क्या कह रहे हैं इसमें, तो ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ए बी. ओके, ए और बी के बीच में क्या निकालना है? पोटेंशियल का डिफरेंस. लो आप होशियार हो, जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आएगा? जीरो. तो आंसर जीरो, सही हो गया. कितना सही क्वेश्चन है, जीरो. नेक्स्ट क्या निकालना है? सी और ए के बीच में निकालना है, सी और ए के बीच में निकालना है. एक बात बताऊं, सी और ए के बीच में निकाल लो या सी और बी के बीच में निकाल लो, बात एक ही है. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल यहां पर भी वी है, यहां पर भी वी है, तो इन दोनों का भी सेम है और इन दोनों का भी सेम आएगा. कोई डाउट? तो मैं ऐसा करूं, सी और बी का निकाल लूं, ठीक. तो मैं सी और बी का निकालूंगा, तो ऑब्वियसली मैं क्या लगाऊंगा सी और बी के बीच में? ई माइनस डी वी बाय डी एक्स. अब इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी के बने? 300. इलेक्ट्रिक फील्ड 300 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 300 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहां है? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट है. जबकि आप जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है. तो वेक्टर फॉर्म में लिखना भी होगा तो 300 आई कैप लिखते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो 300 माइनस आई कैप लिखेंगे. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो आपके सामने इस तरफ है, और आप अगर मीन्स एक कहां से कहां जा रहे हैं, बी से ए पे जा रहे हैं, तो डी एक्स क्या बनेगा? माइनस तीन माइनस चार. तो ये समझ में आ रहा है, माइनस तीन माइनस चार. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी सी माइनस वी बी. आप ऐसे जा रहे हैं ना, तो वी सी माइनस वी बी. तो ये रहा आपके पास वी सी माइनस वी बी. तो वी सी माइनस वी बी का मतलब डेल्टा वी सी बी, यही निकालना है मुझे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड. तो आंसर आ गया. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो बस इसमें यही एक डिफरेंस था. और अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता कि क्या लगे, माइनस लगेगा नहीं लगेगा, तो आप एक काम करें, आप ना वेक्टर में लिखना शुरू कर दें. ई की जगह लिखें माइनस 300 आई कैप, माइनस आई कैप, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है. और अगर राइट की तरफ है तो प्लस 300 आई कैप. पॉइंट क्लियर है? इसे गलती नहीं होगी आपकी. तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ये एक एक ही क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स लेफ्ट मिलेगा. ज़्यादातर क्वेश्चन में राइट ही मिलता है आपको. जैसे ये क्वेश्चन है, तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी. ओके, ए बी सी दिख रहा है मुझे. तो ये पाँच है, तीन है, तो ये चार है. इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 × 10³, ठीक है. ई गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी. अब सेम प्रॉब्लम है, एक बात बताओ, ए और सी में निकालना है ना, तो सी और बी विल बी एट सेम पोटेंशियल. क्योंकि अगर मैं इमेजिनरी लाइन यहाँ खींचूँ तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है उसको इक्वी पोटेंशियल लाइन बोलते हैं. तो यानी कि सी का और बी का पोटेंशियल विल रिमेन सेम. तो अगर मुझे सी और ए का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं बी और ए का निकाल दूं, बात एक ही है. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली सेम है, तो कर लो ना, करो. ये तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया हुआ है, तो आप ही का क्वेश्चन है. करो, लगाओ ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स. लगाओ आंसर, आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो. तो ए और बी में लगा लेते हैं ना, ए से लेके बी तक ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स. ई क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ई की जगह 5 × 10³ कितना? 3. माइनस डी वी तो निकालना ही है आपको, और डी एक्स में क्या आएगा यहाँ पर? ये कितने सेंटीमीटर है? 4. तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 सेंटीमीटर. हाँ, तो 4 × 10³ - 2, राइट.
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके dv कैन बी कैलकुलेटेड. तो पॉइंट क्लियर है. अच्छा एक बात बताओ, dv पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव. क्या सच में नेगेटिव आएगा? क्यों आएगा? यहाँ आपको ये तो पता दिख रहा है मुझे नेगेटिव आएगा डायग्राम से. कम होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है? टूवर्ड्स राइट. तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? कम. यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा. तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. तो मतलब आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने मन में. अगर आपको ऑब्जेक्टिव में स्पेशली कन्फ्यूजन हो रही है ना कि पॉजिटिव लूँगी नेगेटिव लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहे हो तो वैसे ही पता लग रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसमें क्या आएगी? नेगेटिव. क्योंकि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी नेगेटिव. तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक. तो ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट है, ये तो हमने ऐसा कर लिया था पार्शियल डेरिवेटिव वाला, राइट? तो एक बार ट्राई करना इसे आप अपने आप. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस. मैंने बताया था लास्ट टाइम ये स्फेयर्स क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस. तो ये स्फेयर जो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं और इनका रेडियस आपको गिवन है 10 भी है, 20 भी है और 30 भी है एंड सो ऑन. ये जो शेल या स्फेयर है ये 60 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 30 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 20 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है. तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और अलग वोल्ट्स पे हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर है. और जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो आपका पोटेंशियल गिर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है. तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज पड़ा होगा. तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू मान लो कितनी है? क्यू है. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है टेक क्या करना है इसमें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डायरेक्शन मैं बता सकता हूँ, पोटेंशियल बाहर की तरफ जाते हुए क्या हो रहा है? डिक्रीज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं होगा जहाँ पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज. क्योंकि आपका पोटेंशियल बाहर की तरफ जा रहा कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है. क्लियर है? वैल्यू बतानी है. अब यार वैल्यू बतानी इतनी आसान थोड़ी ना, वैल्यू कहाँ बतानी है पूछा ही नहीं. वैल्यू कहाँ बताऊँ? पता नहीं. तो इसका मतलब वैल्यू तो चेंज होगी ना, क्यू चार्ज से आप कितनी दूरी पे हो उसी हिसाब से वैल्यू आएगी. तो अगर आप क्यू चार्ज से, क्यू इज अ पॉइंट चार्ज, आर दूरी पे हो तो ई की वैल्यू क्या आएगी? 1/4πε0Q/r. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर वेरिएबल आंसर ही आना चाहिए. क्यों आना चाहिए? क्योंकि ई की वैल्यू वो पूछ रहा है कहाँ पर, वो बता नहीं रहा कहाँ पर. तो मैं तो एक आर्बिट्री डिस्टेंस ही लूंगा ना, तो आर्बिट्री डिस्टेंस में क्या लूंगा? आर ले लूंगा. तो मेरा आंसर आएगा 1/4πε0Q/r². नहीं, 10 तो सिर्फ इसी का है, पहले वाले का 10 है. ठीक, मैं बता रहा हूं कैसे आएगा. अच्छा, क्यू और आर की हेल्प से फर्स्ट इससे वही कर एक ट्राई कर रहा हूं. यहां तक क्लियर है? पहले बताऊ मैं, नेक्स्ट टाइम वही बता रहा हूँ कि क्या किया हुआ है. यहाँ तक क्लियर है? तो मेरा आंसर ये बिल्कुल वेरिएबल की फॉर्म में आएगा मेरे हिसाब से. फिक्स्ड वैल्यू आएगी नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि आप कहाँ पॉइंट मेंशन नहीं कर रहे हो. तो आप अगर मुझे फिक्स वैल्यू दोगे तो आप इसके ऊपर दे सकते हो ज़्यादा. मैं पूछूंगा नहीं मेरे को तो यहाँ निकालनी है, फिर आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर आर तो दो. मैं कहूँगा आर तो है नहीं. आप कहोगे सर आर की फॉर्म में आंसर आ गया. तो क्लियर है? हाँ, क्यू इसमें गिवन नहीं है. मैं शायद क्यू फिर भी निकाल सकता हूँ. कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास अगर ये पॉइंट चार्ज है क्यू और पॉइंट चार्ज के 10 सेंटीमीटर दूर मुझे पोटेंशियल पता है कितने वोल्ट है, 60 वोल्ट है. तो 60 को लिखा जा सकता है ये रहा 1/4πε0Q/r. मैं लिख सकता हूँ इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है. हाँ, ये भी कर सकता हूँ कि Q की वैल्यू मेरे को इस क्वेश्चन में R की वैल्यू भी मुझे गिवन है कितनी, ये कितने सेंटीमीटर है, 10. तो मैं यहां से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकता हूं? चार्ज क्यू, राइट? ये तो मतलब मैं क्यू तो फिर भी निकाल सकता हूं. तो जो भी क्यू की वैल्यू आएगी मैं यहां पुट कर सकता हूं, लेकिन मैं आर को अभी भी निकाल नहीं सकता क्योंकि आर की वैल्यू कहां निकालना है ही मुझे मालूम नहीं है. तो आर को आर रखूंगा. इस इक्वेशन से क्या निकालूंगा? क्यू. उस क्यू को यहां पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लूंगा. समझ में आ रहा है यहां तक? तो पॉइंट सबको क्लियर है कि मैं इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई डाउट इसमें? तो इसमें लिख लेना, मॉडिफाई कर लेना, क्योंकि ये पता नहीं मुझे इस सॉल्यूशन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है. तो आप यहाँ से लिख लेना इस इक्वेशन के ऊपर R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर करके फाइंड Q,
और इस q को यहां पुट करके फाइंड r, फाइंड e इन टर्म्स ऑफ r, राइट? तो हिंट लिख लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगी इसमें. क्लियर है? डिवाइड कर लो. हाँ डिवाइड कर लो. चलो फिर एक स्टेप बच जाएगा, q निकालने वाला स्टेप बच जाएगा. अगर आप डिवाइड कर लोगे, डिवाइड कर लोगे तो ये डिवाइड करके q से q ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, और एक r भी कैंसिल हो जाएगा. तो उस हिसाब से फिर e इन टर्म्स ऑफ r आ जाएगा. कर सकते हो वैसे यार, ये गलती r स्क्वायर, ये r आएगा मेरे को लगता है, यहाँ करेक्शन होगी फिर. यहाँ पर ना ये r स्क्वायर नहीं आएगा, एक r कट जाएगा, ये r. अच्छा ऐसा, ओके. तो डिवाइड कर लोगे फिर आंसर आ जाएगा, ये भी ठीक है. क्यों मत निकालो, डिवाइड कर लो, आंसर डन. क्लियर है यहाँ तक? कितना है? ओके करेक्शन, ओके. कुछ तो कुछ गड़बड़ थी मुझे पता है इस क्वेश्चन में, मुझे पता नहीं क्या गड़बड़ थी, ऐसा ही कुछ था. चलो आप इसे डिवाइड कर लेंगे, ई और वी की क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे, आंसर. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो आर की फॉर्म में आंसर छोड़ के आना, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ. नेक्स्ट है, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है या इक्विपोटेंशियल सरफेस है. देखो जो सरफेस होती है वो ऐसी होती है, फ्लैट मतलब प्लेन. लाइन एक लाइन होती है, तो आप कुछ भी बोलो इक्विपोटेंशियल सरफेस है या जो भी लाइन है, ये वी 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 वी. तो मैंने क्यू नॉट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रखा, तो मैंने बता दिया था ई परपेंडिकुलर टू डी आर आएगा, बताया था ना. इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टी थी कि इक्विपोटेंशियल की अगर ये लाइन है, इस इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो ये तो मैंने बता ही दिया था ई परपेंडिकुलर टू डी आर. तो यानी कि अगर ये इक्विपोटेंशियल लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर. अच्छा ये मैंने लास्ट टाइम बता दी थी, पर मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे की हुई है. क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर किताब में दिखेगा आपको, और अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप कर नहीं पाओगे. तो आपको एक बार देखना पड़ेगा इसे कैसे. ये कुछ लाइंस आपको क्वेश्चन में दे रहा है, और ये सारे की सारी लाइन इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, जिसमें कि 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, या ऐसे बोल लो 30, 20 और 10. तो पोटेंशियल यहां पे आते हुए अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है. मानते हो पोटेंशियल कम हो रहा है? तो अगर यहां पोटेंशियल कम हो रहा है तो कितने लोग एग्री करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये देखो, इसके परपेंडिकुलर होगी और ऐसी होगी, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइंस. तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो बन गई ना इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस. अब मुझे कैसे पता लगा कि डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है, इस तरफ कम हो रहा है. तो जहां पोटेंशियल कम होगा, इक्विपोटेंशियल जो पोटेंशियल की वैल्यू जहां कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस भी उसी तरफ होगी. कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है. तो ये 10 सेंटीमीटर पे है, ये 20 पे और ये 30 पे है, 10, 20 और 30. ये भी क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, एंगल कितना है इस पे, 30 डिग्री है. ये भी क्लियर है. अब आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई निकालना है. आपको वैल्यू निकालनी है ई की, क्या होगी. ये तो सबको समझ में आ रहा है कि यहां पर ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर लगने वाला है. ठीक है, तो कैसे लगेगा इसका स्टाइल देख लो. मैंने ये ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्लियर है, राइट? तो एक लाइन मैंने जान के यहां से पास की, एक यहां से पास की, एक यहां से और एक यहां से पास की, मतलब इन तीनों में से पास की जहां पर वो डिस्टेंसेस गिवन है, राइट? क्लियर है? कुछ सॉल्व भी तो करना है, हवा में कहीं भी पास कर दूंगा तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा. तो मैंने एक लाइन यहां से की, एक यहां से की, एक यहां से कर दी, राइट? तो इसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना चाहते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. लेकिन एक बात बताएं कि ये कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं आप, मान लेते हैं आपने दो पॉइंट्स लिए, और वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, एक ये लिया और एक ये ले लिया, बस ये रहा. तो आप यहां से यहां जा रहे हैं, क्लियर है? जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज डी आर. और डी आर कितने सेंटीमीटर का होगा, 20 में से 10 गया तो 10, तो डी आर तो 10 पता लग गया सबको. कोई डाउट इसमें? तो डी आर की वैल्यू 10 आ गई इसमें. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ने डीआर के साथ क्या एंगल बनाया, 30. तो इसका 30 है, ये 30 है, और ये इक्विपोटेंशियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या होता है, 90. तो ये 90 है, ये 90 है, ये 30 है, तो कुल मिला के क्या हुआ, 120.
20 हो गया, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर ये जो एंगल है किसका, e वेक्टर एंड dr वेक्टर कितना है, 120 है, राइट? कोई डाउट इसमें? आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए ना, उसमें आपने कोई भी दो पॉइंट्स कहां लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिए। तो जब आपने दो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिए ना, तो ई में और डी आर में हमेशा एंगल जीरो ही बना। तभी तो आप बड़े आराम से लगा रहे हो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। पर ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ई में और डी आर में एंगल जीरो नहीं बना। कितना बना? 120 बना। तो अगर ये 120 बना तो फिर फॉर्मूला ई इज माइनस डी वी बाई डी आर नहीं, ई कॉस थीटा इज माइनस डी वी बाई डी आर, याद है? प्रूफ करवाया था मैंने, और मैंने कहा था E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर तो स्पेशल केस है। एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। कोई डाउट इसमें? तो एंगल इसमें कितना है, 120, क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें E इज माइनस डी वी बाई डी आर नहीं है, E cos थीटा इज माइनस डी वी बाई डी आर है, क्लियर है यहाँ तक? तो थीटा इसमें किसका किसका एंगल होता है, E का और डी आर का, और यहाँ पर E और डी आर का एंगल कितना है, 120। तो E cos 120 माइनस डी वी बाई डी एक्स, एक्स इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो यहाँ पर E cos ऑफ 120 कितना होता है, माइनस हाफ। डी वी की वैल्यू क्या होगी, एक काम करते हैं, डी वी की वैल्यू के लिए आप मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो ये आपका क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा, और ये आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। जो फाइनल पॉइंट है वो कितने पोटेंशियल पे चल रहा है, ओके, जो फाइनल पॉइंट है यानी कि ये जो फाइनल पॉइंट है वो कितने पोटेंशियल पे है, 20। जो इनिशियल पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितने है, 10। तो क्या बनेगा, 20 माइनस 10। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? और डिस्टेंस में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 20 माइनस 10। यहाँ तक क्लियर है? तो सॉल्व करके ई कैन बी कैलकुलेटेड। सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेना। कोई डाउट इसमें? तो सबको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? कोई डाउट इसमें? तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आपको ध्यान रखना है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन वाला क्वेश्चन में ई नहीं लगेगा, ई कॉस थीटा लगेगा, ठीक है? खत्म होगी क्या शीट? ये खत्म होगी। चलो एक और शीट आपके खाते में ऐड हो गई कि आपने 24 नंबर शीट कवर कर ली, ठीक है? प्लस वन के अंदर बहुत शीट थी, 100 कोई याद है, 150 से ऊपर थी शायद, 160-170 होंगी। प्लस टू में 125 से कमी है, प्लस टू की कम है, तो अच्छी बात है। तो इतनी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कम लिखी है, प्लस वन का न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत हाई है। आप मैंने बताया ना, प्लस आपने कई प्लस वन देख ही ली, हर एक बात करते थे चलो दो न्यूमेरिकल, अभी आधी बात भी नहीं करता था टीचर, चल चार न्यूमेरिकल, तो एक लाइन मोशन कराता था, शीट पर शीट तैयार हो जाती थी। इसमें ऐसा नहीं, आपने देखा होगा टॉपिक के साथ साथ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, और वॉल्यूम टू में थोड़े कम न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें एटम्स और थ्योरी ज़्यादा आ जाती है, बट पॉइंट क्लियर है। तो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो, लेकिन वो बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, और हर सेगमेंट का इक्वल मतलब वेटेज है, उसमें बहुत ध्यान से पेपर बनाया जाता है, तो आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो इसमें, तो आपको सारे टॉपिक करके ही जाने हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये शीट नंबर कौन सी थी, 24 हो गई, 25 एक मिनट ओपन करके देख लेता हूँ, नहीं तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं इसकी आज हम। 25 हाँ ये रही, ओह ये तो रह गया, ओह ये वो आपका फेवरेट रिंग डिस्क याद है, ये लो इसको भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा परेशान करता है यार, बीच बीच में कॉम्पिटिशन की बुक्स में बहुत परेशान करता है ये, अब नहीं करेगा, ये शीट बनी हुई है। सबसे पहले अगर आप फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करें, स्टार्ट पॉइंट चार्ज से हुआ था, पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज से हुआ था, अब तक कर क्या रहे हैं आपने देखा, जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो पॉइंट चार्ज पे किए, क्या मैंने कोई रिंग ली, डिस्क ली, स्फीयर लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, पॉइंट चार्ज है। तो अभी तक आज हमारा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, या पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, किसको लेके, पॉइंट चार्ज को लेके। अब हम जाएंगे रिंग, डिस्क, शेल, स्फीयर, ठीक है? तो और इसके बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, और फिर शेल्स की प्रैक्टिस होनी है, शेल्स का एक पूरा लेक्चर है, देखते हैं आज होगा कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं, वो तो एक गो में होगा, जब भी होगा तो आज तो बीच में फंस जाएगा। तो देखते हैं आज हम पुराना काम ही खत्म करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो आपके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा और थोड़ा आराम से कोर्स चलेगा। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट डिस्क की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने जो किया वो क्या किया, क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या किया, 1/4πε0qr। ई क्या किया, 1/4πε0qr का स्क्वायर, राइट। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट रिंग, रिंग में ये आपके पास एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। ये एनसीईआरटी में नहीं है जो मैं कराने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, रिंग का है लेकिन डिस्क का नहीं है। रिंग का तो फिर भी ई पूछा जाता है, डिस्क का नहीं है। तो रिंग का हमने ई किया था क्या, वो कॉम्पोनेंट्स लेते थे, हाँ किया हुआ है, राइट, ठीक किया हुआ है। तो इसके अंदर ये आपके पास एक रिंग है और आपको आज की डेट में जो पोटेंशियल आता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज का ही आता है और तो कुछ नहीं आता। तो आपको पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालना आता, तो एक काम करें, रिंग में तो काफ़ी बड़ी रिंग है, आप इसका एक छोटा सा क्या ले लें, एलिमेंट ले लें। तो ये आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसके ऊपर स्मॉल चार्ज कितना है, डी क्यू। तो अगर ये कैपिटल आर है, ये एक्स है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, क्लियर है, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो ये स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट यहां पर क्या पोटेंशियल लगाएगा, इट इज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, क्लियर है यहां तक। तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पॉइंट चार्ज की तो वैलिड ही है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को हर एलिमेंट का डीवी 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 लेना है और इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं, ये तो एक एलिमेंट है, अब पॉइंट ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो वेक्टर था, तो यहाँ वेक्टर बना करते थे, याद है, एक वेक्टर इधर एक इधर, कॉस थीटा साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स कैंसिल, इसमें कुछ भी बनेगा। इसमें हमने एक एलिमेंट का डीवी निकाल लिया, इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी रिंग का आ जाएगा। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेशन, तो ये 0 से V तक इंटीग्रेशन है, कॉन्स्टेंट सारे बाहर आ जाएंगे क्योंकि हम पोटेंशियल कहाँ पे निकालना चाहते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम पोटेंशियल एट अ फिक्स पॉइंट निकाल रहे हैं। तो एक्स कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो डी क्यू की इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेगी, 0 से Q, तो 1 dQ की इंटीग्रेशन क्या होती है, क्यू, तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, क्यू, ये आंसर आ गया। तो प्लीज़ आपने इसका एक सिर्फ फॉर्मूला स्टार लगाना है, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो रिंग का ई हमने किया हुआ है, आज हमने रिंग का क्या कर दिया, एक्सिस के ऊपर वी भी कर दिया। तो हमने इस एक्सिस पे ई किया था, हमने इस एक्सिस पे आज क्या कर लिया, वी भी कर लिया। तो ये भी फॉर्मूला आपने नोट करना है। तो बना रहे हो ना रजिस्टर फॉर्मूलाज का, भर जाएगा पूरा रजिस्टर में, 100% लिखने को, इतने फॉर्मूलाज हैं प्लस टू में। आपने अपने मेरे ख्याल से पूरे पहली से दसवीं क्लास में ना किए होंगे, जो अकेली प्लस टू आपको करवा देगी, इतने हैं, मतलब ठीक है, ठीक है, प्लस टू में यार ज़्यादा हैं, प्लस वन में इतने नहीं थे, थे ऐसा नहीं है कि नहीं थे, पर प्लस टू में डबल हैं उससे प्लस वन से। तो रजिस्टर पक्का भरेगा, मतलब दो एक टॉपिक ख़त्म करते नहीं यार, दो फॉर्मूले तो लिखवा देते हैं, नोट कर लो, ऐसा हो नहीं रहा। अच्छा अभी और, अभी हो जाएगा और होगा, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये वी का फॉर्मूला याद हो गया। क्वेश्चन आएगा, सेंटर के ऊपर वी निकालो, इस रिंग के सेंटर पर वी निकालो, सेंटर पे एक्स को क्या पुट करेंगे, सेंटर पे, अगर मुझे इस पॉइंट को सेंटर पे लेके आना है तो एक्स क्या करेंगे, जीरो, तो सेंटर पे आ जाएगा पॉइंट, तो यहां पर उठा के एक्स को क्या पुट कर दें, जीरो। आंसर क्या, बढ़िया फॉर्मूला आ गया कि वी की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द रिंग। ये फॉर्मूला तो वैसे ही सबको पसंद है क्योंकि तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जब एंड में आता है तो बंदे को ये खुशी होती है, चल नया फॉर्मूला नहीं है, कम से कम ये तो मैं कर ही लूंगा। वेयर कैपिटल आर दी रेडियस ऑफ द रिंग। तो आज के बाद रिंग के सेंटर पे ई की वैल्यू क्या थी, रिंग के सेंटर पे ई क्या था, जीरो। रिंग की सिलिट्रिकल बॉडी है यार, हर तरफ से वेक्टर कैंसिल करते थे, तो ई क्या था, जीरो। वी क्या है, जीरो नहीं है, ये है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या ऐसा हो सकता है, वो पूछेगा कि किसी पॉइंट पर ई जीरो है पर वी जीरो नहीं है। हाँ हो सकता है, रिंग के सेंटर पे ई जीरो है, चार्ज रिंग के सेंटर पे ई जीरो है पर वी जीरो
नहीं है तो हो सकता है, नहीं है जरूरी नहीं है, जीरो भी हो सकता है। नहीं कई कई देखो कांस्टेंट में दो मतलब होते हैं, या फिक्स्ड वैल्यू या जीरो, जीरो भी कांस्टेंट ही माना जाता है। अब वो केस टू केस वेरी करेगा, कहीं पर भी कांस्टेंट आ जाएगा, कहीं पर जीरो भी आ जाता है। तो ये भी सही नहीं बोलना कि जहां ई जीरो है वहां वी कांस्टेंट है हमेशा, जहां ई जीरो है वहां वी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, वी मेटल क्यों, ऐसा क्यों, ये मेटल की रिंग है, ये मेटल की रिंग है, मेटल की रिंग क्योंकि लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, उसकी सरफेस पे रहेगा चार्ज जाएगा कहाँ, पतली सी रिंग है, थिकनेस तो आप लेते ही नहीं हो उसकी, तो फर्क कुछ नहीं पड़ रहा इसमें, चाहे कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग, इसमें कोई चक्कर नहीं है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का चक्कर एक जगह पड़ता है, कहाँ पर, सॉलिड स्फेयर में, और कहीं नहीं पड़ता। क्या ये पॉइंट क्लियर है यार, इतना बढ़िया कोर्स है प्लस टू का, कमाल का कोर्स है यार। आपको नहीं लगता कि दुखी हो गए हो चार्ज से, तंग हो गए हो यार, चार्ज नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड यार दुखी कर दिया है ना, ई नहीं खत्म होने को आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहली क्लास में बैठे हैं, पता नहीं और कितना ई करे जा रहे हैं, है ना, ऐसा वैरायटी नहीं है, फ्लेवर जल्दी जल्दी चेंज नहीं है। प्लस वन में फ्लेवर बहुत चेंज था, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ ऐसा था, चलो करना तो पड़ेगा ही क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे आपको एक बात बता देता हूं मैं, आपके कॉम्पिटिशन जो सीट दिलवाएगी ना उसमें प्लस टू का बहुत बड़ा योगदान होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, मेरी याद रखना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, आप खुद ये फील करोगे, क्योंकि प्लस टू आप बोर्ड के लिए ज़बरदस्त तैयारी करोगे एंड तक, तो आपकी प्लस टू तो इस तरीके से टिप्स पे रहती है, तो आपका आधा पेपर तो कंपटीशन का सिर्फ प्लस टू ही पार करा देगी, आपको चाहे पसंद हो या ना हो, वो अपने आप ही पसंद हो जाएगी, जब चीज़ आती है तो अपने आप पसंद हो जाती है। तो प्लस टू बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। अब जिस स्टूडेंट की प्लस वन भी स्ट्रांग होगी, देखो उसको तो रोक नहीं सकता, वो तो पक्का ही उड़ा देगा पेपर। अब प्लस टू तो आप कहोगे सारे तैयार कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, फिर प्लस वन कौन करेगा, जो निकलने वाला है वो प्लस वन भी करेगा, बस वो आगे निकल जाएगा, बस यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा पड़ जाता है। तो सब्जेक्ट तो तीन है ना, एक हो तो बंदा काबू भी कर ले, तीन यहाँ तो तीन नहीं काबू हो रहे, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मैथ एक दिन छूट जाता है, तो जिस दिन मैथ ज़्यादा पढ़ लो उस दिन फिजिक्स छूट जाती है, जिस दिन फिजिक्स पढ़ लो उस दिन केमिस्ट्री छूट जाती है, और जिस दिन तीनों का टेस्ट आ जाए उस दिन तो बंदे के पूरे सर्वर ही फेल हो जाते हैं, मतलब यार ये तो गए, ये नहीं होता, जो होगा देखी जाएगी। एंड में बंदा क्या करता है, रात को 12 बज गए 1 बज गए तैयारी नहीं हो रही, तीनों ने रखा हुआ है, किस किस को जाके गएगा, टेस्ट मत रख, ये लो जी हो गया जो होना था, डन, ऐसे होता है यार, हमने भी पढ़ाई की है यार, हमें भी पता है। ठीक है, बंदा अपनी जान तो पूरी लगाता ही है, ऐसा तो नहीं कह रहा कि बंदा तो ठीक है जितना हो गया ठीक है, पर इट्स ओके, तो रेगुलर प्रैक्टिस करो वही बचाती है आपको, कुछ नहीं है, तो यही है। और कॉलेज में जाके इससे बुरा हाल होता है, मतलब उसमें तो लेवल ही कुछ और है पढ़ाई का। ठीक, तो आपका ब्रेन एक स्कैनर की तरह काम करेगा, एक एक दिन पहले आप पूरी पूरी किताब करने की कैपेसिटी रखेंगे, चार चार चैप्टर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट जैसे, दो दो तो कर ही रहेंगे एक दिन में, हाँ हाँ एक दिन या दो दिन में कह रहा हूँ मैं, कोई इससे कोई हैरानगी की बात नहीं है, अपने कॉलेज किसी बंदे से पूछ लेना जाके कि पढ़ाई कैसे होती है होती है ना देखो तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो रिंग का सेंटर पे वी मैक्स होता है, वी मैक्स होता है, तो रिंग के सेंटर का जो ग्राफ अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए प्लॉट करने को तो ऐसा बनता है, रिंग के सेंटर पे वी मैक्स है और इधर जाओगे तो वी कम हो जाएगा, तो ग्राफ मैंने ई का भी करवाया था, ग्राफ वी का भी है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें मेथड टू भी है, देखो ओ कमाल है, देखो मतलब कितनी दिल से शीट लिख रखी है, कितना वेला आदमी हो सकता है ना लिखने वाला ऐसे ही बैठा होगा यार, मेथड वन मेथड टू, मतलब फ्री टाइम देखो आप कितनी फ्री उससे लिखा होगा मैंने, है कि नहीं। चलो तो मेथड टू इसलिए क्योंकि यार कई किताबें जो पढ़ते हैं ना वो मेथड टू से सॉल्व करती हैं, बच्चा ले आता है सर देखना जरा आपने ऐसा कराया वो ऐसा करता है, तो मेथड टू हमने करना नहीं है कोई भी, मैं भी नहीं करता, बता के छोड़ दूंगा। ये रिंग है, ये रिंग के एक्सिस पे ई है, ई का फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में किया हुआ है, ई का, वी का नहीं, निकालना क्या है वी। अब मैंने आपको रिजल्ट बताया, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स, तो हमने कई क्वेश्चन किए, अगर ई गिवन हो और वी निकालना हो तो लगाओ फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई, ई की वैल्यू यहां पुट करेंगे,
पुट करके इंटीग्रेट करेंगे और अपने आप यही वी आएगा। आप कहोगे किया क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर एक इंटीग्रेशन यूज जो हमने प्लस वन में की थी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करके एक टॉपिक है, मैथ्स के टीचर आपको करवाएंगे अभी इस साल, तो वो सब्स्टिट्यूशन के इंटीग्रेशन से ही ये प्रूव होता है। तो मैंने करके भी नहीं दिखाया, मैं तो बता दिया कि अगर कोई किताब ऐसी कोई बातें करे कि ई है, ये देखो ना ये ई है, ई से वी निकालना है, तो आप ये भी तरीका फॉर्मुलेट कर सकते हो, हालांकि हमने करना नहीं है, हमने तो कर लिया टॉपिक। और ये भी ट्रू है, अगर आपको कोई वी दे और आपसे क्या पूछे ई बता दो, तो कोई टेंशन नहीं, लगा दो फॉर्मूला ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। जैसे रिंग है, रिंग का वी पता है, रिंग के वी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, बता रहा हूं सिर्फ, डिफ्रेंशिएट करके अपने आप ही ई का फॉर्मूला आएगा, पर हमने तो ई का ऑलरेडी फॉर्मूला किया हुआ है। पर मेरा बताना बनता है कि देखो क्या जबरदस्त टेक्निक है, अगर आपको ई के आधे फॉर्मूला आते हैं तो वी तो समझो इंटीग्रेशन से ऐसे आ जाएगा, मैथ से ही होना चाहिए लेकिन, और वैसे अगर आपको वी आता है तो आप बिना किसी फिगर देखे भी किसी भी बॉडी की आप वी से सीधा क्या निकाल सकते हैं, ई, प्रोवाइडेड आपको कैलकुलस आना चाहिए। तो जब कैलकुलस आ जाएगा मैथ्स में फिर आपको ये स्टेप्स भी आसान लगेंगे। पर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ना हमने ये करना है ना हमने अभी ये करना है, क्योंकि ई हमने कर लिया वी हमने कर लिया, पर मैंने वो मेथड बता दिया कि इस तरीके से भी कई किताबें ई से वी और वी से ई निकाल लेंगी। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है ये बहुत, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा मेंस में, नीट में, हर किताब ऐसी फिगर दिखेंगी आपको। तो ये दो रिंग्स हैं, नॉट फॉर एनसीईआरटी, दिस शीट इज, अभी ये इस लिखते जाना था, नॉट फॉर एनसीईआरटी है, साथ साथ कहीं पढ़ने बैठ जाओ एनसीईआरटी पेपर से पहले, मतलब कुछ के लिए तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, कुछ के लिए ले सकता, हाँ रिंग एनसीईआरटी में भी आएगा, मतलब पूछ सकते हैं वी, फिर भी डिस्क नहीं आती, डिस्क एनसीईआरटी में नहीं आती। देखो तो इसके अंदर दो रिंग्स ले ले, क्यू वन एंड क्यू टू चार्ज है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा उसने, क्वेश्चन पूछा कि ये रिंग्स हैं जिसके ऊपर चार्ज क्यू वन क्यू टू है, आपने चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज उठाया इमेजिनरी, उसको उठा के इसके सेंटर से इसके सेंटर पे रख दिया, क्या किया वर्क डन, कितना किया बता दो। तो पहला लॉजिक, वर्क डन जो भी किया, कितने चार्ज को उठा के रखा, क्यू नॉट, क्यू नॉट इस पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या, बी से ए, तो ए इज द फाइनल, बी इज द इनिशियल, वी ए माइनस वी बी, पहला स्टेप क्लियर है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं आपको वी ए वी बी बता दूं आंसर आ जाएगा, मानते हो, चलो वी ए वी बी कर लेते हैं, वी ऑफ ए पे चलते हैं, ए पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, रिंग, ए रिंग लगाएगी, क्या ए रिंग लगाएगी, ए रिंग पे चार्ज है, क्या वो अपने सेंटर पे पोटेंशियल लगाएगी, हाँ या ना, लगाएगी, अभी ऊपर फॉर्मूला किया रिंग के सेंटर पे वी हमने निकाला, तो क्या ये चार्ज रिंग अपने सेंटर पे वी लगाएगी, लगाएगी, क्या इसकी पड़ोस की पड़ी हुई रिंग इसके सेंटर पे वी लगाएगी, वो भी लगाएगी, क्योंकि एक पॉइंट पे वी कौन लगाता है, उसके आसपास चार्जेस लगाते हैं, यहां पर कितनी चार्ज बॉडीज हैं, दो, रिंग नंबर वन, रिंग नंबर टू, तो रिंग नंबर वन भी वी लगाएगी, रिंग नंबर टू भी वी लगाएगी। तो करें सॉल्व, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल पहली रिंग लगाएगी, पहली रिंग कितनी लगाएगी, 1/4πε0, पहली रिंग अपने सेंटर पे वी क्या लगाएगी, पहली रिंग का चार्ज कितना है क्यू वन, और डिस्टेंस कितना है आर वन, तो क्या बनेगा 1/4πε0 क्यू वन बाय आर वन, क्या ये पॉइंट क्लियर है, रिंग के सेंटर पे वी का फॉर्मूला समझ में आ रहा है, अपने का क्लियर है, रिंग के सेंटर पे वी क्लियर है, ठीक, करें आगे। अब ये रिंग से पूछो तू क्या लगाएगी, ये रिंग कहती है देखो ये पॉइंट मेरे किस पे लाई करता है, एक्सिस पे, तो एक्सिस पे कितनी दूरी पे लाई करता है, एक्स, तो ये रिंग के एक्स दूरी पे ये पॉइंट लाई करता है, तो एक्सिस के ऊपर हमने वी का फॉर्मूला क्या किया, 1/4πε0 क्यू टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर टू स्क्वायर, आर टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, क्योंकि हमने दो फॉर्मूलाज किए हैं, पहला फॉर्मूला हमने क्या किया, पहला हमने इस रिंग के एक्स दूरी पे वी निकालना सीखा,
तो ये फॉर्मूला कहां लगता है, जब रिंग के एक्सिस के ऊपर वी निकालना हो, और दूसरा फॉर्मूला रिंग के सेंटर पे सीखा। क्लियर है यहां तक? तो मैंने आपको ये बताया कि इस रिंग ने अपने सेंटर पे इतना वी लगाया, इस रिंग ने अपने, क्योंकि ए पॉइंट पर पोटेंशियल लगाया, तो इस रिंग ने इस रिंग के लिए ए पॉइंट इसके एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्सिस का फॉर्मूला लगा लिया इसके लिए क्यू टू डिवाइडेड बाई इसका ये डिस्टेंस। कोई डाउट इसमें? तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? वी ए की। अब वी की बात करें, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा? रिंग नंबर टू लगाएगी, रिंग नंबर वन भी लगाएगी, दोनों लगाएंगे। ये पॉइंट इस रिंग के कहां लाई करता है? इसके सेंटर पे करता है। तो इस रिंग के सेंटर पे ये वी का फॉर्मूला क्लियर है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू। और ये रिंग यहां पर बी पर क्या लगाएगा? पोटेंशियल लगाएगा। तो जब आप इस रिंग से पूछोगे तू बी पे क्या पोटेंशियल लगाएगा, तो बी कहेगा, ये रिंग कहेगी कि मेरे से ये डिस्टेंस ले लो। अब ये डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि बी पॉइंट मेरे एक्स दूरी पे लाई करता है, तो मैं क्या लगाऊंगा? क्यू वन, इसका चार्ज क्यू वन अपॉन इस डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये वी निकालना आ रहा है आपको, वी निकालना आ रहा है, अंश क्लियर है, वी निकालना आ रहा है। तो वी कैसे निकाला? इसने अपने सेंटर पे लगाया, सेंटर का फॉर्मूला, इसने इसके सेंटर पे लगाया तो एक्सिस का फॉर्मूला। तो ऐसे बी पॉइंट पर किसने लगाना है? एक इस रिंग ने लगाना है अपने सेंटर का फॉर्मूला, और इसके लिए ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये फॉर्मूला क्लियर है। बस यही इसमें गेम थी। वी ए वी बी आ गया ना, तो उठा के वी और वी बी की जगह पुट कर दें। वी ए और वी बी की जगह यहां पुट करेंगे, अपने आप ही बस वर्क डन आ गया, डन। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व कैसे करना है वो ऑब्जेक्टिव बनाने वाले की टेंशन है। वो हमें चार ऑप्शन कैसे देता है, क्या पता ऐसे ही दे दे तो यही मार्क कर देंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने को कहेगा सिंप्लीफाई कर देंगे। वैसे बता दूं, ऑब्जेक्टिव वाला आपको एक्स ये आर देगा, ये भी आर देगा, और हो सकता है ये भी आर दे दे। तो जब सारी आर आर दे देगा तो फिर मूवी बन जाएगी आर आर, ठीक, ओ सॉरी तो फिर क्या होगा, आर की फॉर्म में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो फिर आर एंड आर हो जाएगा, ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज्ड डिस्क। डिस्क आ गई, डिस्क किससे बनी हुई थी? रिंग से। टेंशन कोई नहीं लेनी, क्योंकि टॉपिक को करना ही नहीं है, दिखाने के लिए है, क्योंकि मैं तो फ्री था ना, मैं तो कर सकता हूँ, आप करें ना करें, तो मेरा तो बनता है करना, और इसलिए भी करता हूँ, जो लोग एडवांस की तैयारी करेंगे ना उनको ये पता होना चाहिए। एंड में एडवांस वाले यहीं से उठाएंगे क्वेश्चन, डिस्क में से रिंग तोड़ देंगे, और आपकी प्रॉब्लम ही वहां से स्टार्ट होनी है। बस ये फर्क है, मेंस वाले ऊपर ऊपर से एप्लीकेशन से निकल जाएंगे, सीबीएसई वाले इस रास्ते को फॉलो ही नहीं करेंगे। लेवल देख रहे हो आप, सीबीएसई वाले बेसिक पॉइंट चार्ज पे खेलते रह जाएंगे, कोई रिंग डिस्क पे आते ही नहीं, वो शेल्स पे आ जाएंगे, तो पॉइंट पे चलते हैं, वो आसान करते हैं। मेंस वाले फॉर्मूलास का रजिस्टर बनवा रहा हूं ना, तो फॉर्मूलास और उसकी एप्लीकेशन पे चलते हैं। नीट वाले फॉर्मूलास और एप्लीकेशन पे चलते हैं, एडवांस वाले वो फॉर्मूला कहाँ से बना था वो भी चेक कर लेते हैं कि आपको डेंसिटी चेंज कर देगा डिस्क की, आधी कुछ और का आधी कुछ और, यहाँ पर खेलेंगे। बस है तो एक लेवल का फ़र्क ना, ज़्यादा फर्क थोड़ी ना है। आप इसलिए आपको टेंशन इस टाइम हो रही है क्योंकि आपने कोर्स नहीं किया। जब आप पूरा मेंस का कोर्स कर लेते हैं और मेंस में आपका 99 तक टच कर जाता है, तो आपको सारी फिजिक्स वैसी याद है। फिर आप कहाँ काम करते हो? फिर आप सिर्फ इस सेगमेंट पे काम करते हो, क्योंकि फिर आपका 2-3 महीने रहते हैं ना, फिर आप नॉर्मल फिजिक्स थोड़ा पढ़ोगे, वो तो आपको आती है। फिर आपको मैथ्स भी आता है बहुत ज़्यादा, आपको इंटीग्रेशन की भी कोई टेंशन नहीं है। तो फिर आप सिर्फ ये देखते हो कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मैथ्स आपको आता है, आपको ये स्टेप पता लगा हुआ कैसे, फिर कैलकुलेशन भी ईजी हो जाती है। तो इस तरीके से एंड में जो है फिनिशिंग आती है, राइट? तो ये कई पिक्चर्स जुड़ती हैं एंड में, ठीक है? तो अभी फर्स्ट डे से एक्सपेक्ट करोगे तो नहीं होगा, पहले दिन मेरा ये मानना है कि एक बार प्रिंसिपल ऑफ जो रेपिटेशन लॉ है, मैंने बनाया वैसे ही अभी, तो प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन ये बोलता है, आप 4 मुश्किल क्वेश्चन करने की बजाय आप पूरी फिजिक्स, नॉर्मल फिजिक्स को 4 बार कर लो, आपकी सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा।
आपको अजीब लगेगा ये कि सर वो हाई फाई क्वेश्चन नहीं किए, किसने किए, किसको चाहिए, छोड़ देना वहाँ चार क्वेश्चन क्या ही फर्क, तो भी आपका 99 क्रॉस करता है। मैं आपको बता रहा हूँ फोकस स्टडी यही होती है। वो अखबार में आता है ना स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया, वो क्या कहता था फोकस स्टडी के, मैंने फोकस, वो यही कहता है मैं नाम नाम चीज़ें नहीं करता था, बस मैं वो देखता था क्या आता है उसके हिसाब से तैयारी करता था। ये है, कुछ लोग थोड़ा R&D टाइप होते हैं, वो उनका रिसर्च एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, वो और अंदर और अंदर और जाने जाना, उन्होंने देखी जाना कैसे हुआ कैसे हुआ, तो ज़्यादा चले जाते हैं। एडवांस में एप्टीट्यूड चाहिए, एडवांस वालों को एप्टीट्यूड चाहिए होता है वैसे, लेकिन ये एप्टीट्यूड थोड़ा एंड में ज़्यादा काम आता है। तो अभी आपको एक बेसिक कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से आपने करना है, वहाँ पे जाके कोर्स इतना बड़ा हो जाएगा कि आपसे वो रिटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन ये कहते हैं कि आप चार बार कोर्स कर लोगे ना तो कम से कम नहीं आधा पेपर तो उड़ाई दोगे या 7+1 के 7+2 के तो उड़ाई दोगे, और ना सही तो 14, 3, 18 में तो 99 क्रॉस हो जाएगा आपका, या 4 तो रह गए टोटल। हाँ 18 के वो तो 99 क्रॉस हो जाएगा फिजिक्स में, 98.5 तो आता ही है लोगों को आया ही है, 18 से स्टार्ट हो जाएगा अच्छी परसेंटाइल, 18 लग रहा है ना अभी, जब पूरा कोर्स आएगा तो वो आसान नहीं है। फुल कोर्स +1+2 का विद PCM 3 घंटे का पेपर, तो 6 सब्जेक्ट है और 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट भी है, तो ऐसा लगता है 18 सही करने का मतलब कम से कम 21 अटेम्प्ट करना, 25 में से 21 अटेम्प्ट करना मजाक नहीं है, 21-22 तक जाना आसान नहीं है, तो 2 गलती तो करोगे वो भी तो एवरेज लेके चलेंगे।
क्वेश्चन पूछा, चार्ज ऑफ कोरोना क्या होता है? चार्ज ऑफ कोरोना मैंने तो स्टडी नहीं किया, कोरोना का चार्ज क्या होता है मेरे को, मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं किया कोरोना का चार्ज क्या है, इतनी फिजिक्स नहीं है ये तो मुझे पता नहीं है, गूगल सर्च करना पड़ेगा कि फिर तो यार मैं भी निकम्मा हो गया यार, यार सारे निकम्मे हो गए यार। अच्छा पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क, देखो डिस्क आपके सामने है, ये डिस्क है, चार्ज डिस्क है, एक चार्ज डिस्क के एक्सिस के ऊपर आपको क्या निकालना है, वी। प्रूफ नहीं करना, फॉर्मूला एंड में करना है। कैसे बना, दो लाइन का स्टेप, डिस्क रिंग से बनी हुई है, चार्ज डिस्क पे सिग्मा वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग का एरिया क्या होता है याद है अपने, डिस्क का एरिया वो सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, तो ये आपके पास इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्मॉल चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। तो इस रिंग के एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू पता है आपको रिंग की वजह से, रिंग का फॉर्मूला लगा लिया आपने, लेकिन ये पोटेंशियल स्मॉल माना जाएगा। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें और सॉल्व करें, जो आपको नहीं करनी, ये फॉर्मूला आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे, तो हमने डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पे ई निकाला था फॉर्मूला, हमने आज क्या निकाल लिया, वी निकाल लिया उसका फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक? तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना। और अगर सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर अगर आपको वी निकालने को आए, तो एक्स को क्या पुट करेंगे, जीरो, तो सेंटर के ऊपर डिस्क का ये फॉर्मूला आएगा। ठीक हो गया यहां तक, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड शेल, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन शेल और स्फेयर ही है। अगर आपने अपनी ऑब्जेक्टिव बुक्स को देखा होगा, जगह जगह स्फेयर 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 बने दिखे होंगे आपको, और आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमने कभी भी शेल और स्फेयर की बात पोटेंशियल की फॉर्म में नहीं की। हमने ई निकालना तो सीखा, पर ई के क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, आपको वी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, एक शेल, आपने याद है फ्लक्स में एप्लीकेशन की थी, आज आप याद भी करके आए होंगे, आपका टेस्ट भी हमने डाला भी है। तो शेल के स्मॉल आर डिस्टेंस पे वी निकालना है, शेल के सरफेस के बाहर, शेल के सरफेस के ऊपर, शेल के अंदर, याद है। तो ई हमने निकाला था, ई हमने बाहर कितना निकाला था, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, डन, क्लियर है। आपको क्या निकालना है ई देखते हुए, वी, तो आप सिंपल कैलकुलेशन करो, लिखो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीआर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई की वैल्यू को यहां पुट करो और इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसी लगेंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अच्छा ऐसे करते हैं, चलो हमने क्या निकालना है, वी, हम लिमिट क्या लगाएंगे, जीरो से वी, क्यों, क्योंकि वन डीवी की जीरो से वी इंटीग्रेशन का आंसर होगा वी। तो ये बताओ कि जब पोटेंशियल जीरो है, यहां इंटीग्रेशन डिस्टेंस की है, तो डिस्टेंस की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी, इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या हुआ करता था, जीरो, राइट। और जब डिस्टेंस आर है, जब डिस्टेंस आर है, तो यहां पोटेंशियल कितना है, वी, तो आपको लिमिट लगानी आ रही है, यहां पे लिमिट लगेगी जीरो से वी, तो जीरो पोटेंशियल कहां पर है जब डिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी, और वी पोटेंशियल कहां पर है जहां डिस्टेंस कितना है, आर, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो वन डीवी की इंटीग्रेशन वी, कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, आर की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, तो क्या होगी, आर की पावर माइनस वन बाय माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, आर की पावर माइनस वन की इंटीग्रेशन क्या है, वन बाय आर,
इन्फिनिटी से आर, एक बार आर एक बार इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी क्या है जीरो। तो आंसर क्या बढ़िया आंसर आया है, क्या सही फॉर्मूला आया है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यूब बाई स्मॉल आर। तो यानी कि एक शेल, एक शेल के स्मॉल आर डिस्टेंस पे वी का फॉर्मूला क्या है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर, स्मॉल आर। आसान हो गया फॉर्मूला, कोई डाउट इसमें। तो शेल का, शेल के अगर कोई पॉइंट बाहर है, हमें ई भी आ गया और हमें वी भी आ गया, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक, ई भी आ गया और वी भी आ गया। नेक्स्ट सरफेस के ऊपर आ जाएं, सरफेस के ऊपर अगर आपको वी निकालना है तो सरफेस पे जाने के लिए छोटे आर को क्या पुट करें, कैपिटल आर। व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पे। तो एक काम करें, स्मॉल आर को पुट करें कैपिटल आर, तो नेक्स्ट फॉर्मूला वी कहाँ पर आ गया, ऑन सरफेस। तो वी आ गया कहाँ पर, शेल के बाहर, वी कहाँ पर आ गया, सरफेस पे। याद रहेगा फॉर्मूला, रजिस्टर में लिखना है आपने शेल बना बना के, बाहर फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस पे फॉर्मूला क्या होगा, क्लियर है। नेक्स्ट शेल के इनसाइड, शेल के इनसाइड ई क्या हुआ करता था, जीरो, और ई क्या होता है, माइनस डी वी बाय डी आर। तो अगर ई क्या है, जीरो, तो वी क्या रहा होगा, कॉन्स्टेंट। पता है कितना कॉन्स्टेंट, जितना उसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल है। सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर, और शेल के अंदर पोटेंशियल कितना है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो इसका मतलब एक रिजल्ट आ गया, लो रिजल्ट को बना दिया यहां पे, जो हमने किया उसको कंपाइल कर दिया इकट्ठा, ठीक। तो ये एक शेल है, बाहर वी का ये फॉर्मूला किया हमने, सरफेस के ऊपर वी का फॉर्मूला, सरफेस के कोई भी पॉइंट अगर अंदर है तो ये फॉर्मूला विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें। तो अगर आप किसी भी शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर वी निकालते हो, जो मर्जी पॉइंट ले लो, वी जहां मर्जी निकाल लो, आंसर विल बी सेम। सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर वी की वैल्यू विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें। वी कॉन्स्टेंट है, अगर वी कॉन्स्टेंट होगा तभी तो ई जीरो होगा। देखो ना, यहां से कॉन्स्टेंट चलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे यहां पर वी है तो अंदर भी वी रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब यहां पे वी माइनस वी करोगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो आएगी, तो ऑब्वियसली ई भी क्या आएगा वहां पर, फिर जीरो आएगा। तो मतलब सरफेस के बाहर बाहर चेंज होता है, अंदर आना कॉन्स्टेंट हो जाता है, ताकि ई की वैल्यू क्या है, हमेशा जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको कोई न्यूमेरिकल सिग्मा की फॉर्म में गिवन होगा, क्योंकि शेल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, याद है हमने ई वी किया था इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, अब हम वी भी करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद है, चार्ज है कितना इस सरफेस के ऊपर, चार्ज निकाला जा सकता है कैसे, चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू कितने एरिया के ऊपर चार्ज है, इतने एरिया के ऊपर चार्ज है, और ये एरिया है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया कितना है, 4 पाई आर, तो चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या है पॉइंट क्लियर है, क्योंकि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहीं पर ना, और तो कहीं है भी नहीं, ये रहा चार्ज, राइट। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस क्यू की जगह रिप्लेस कर दें ये टर्म, आंसर। मेरे को पर्सनली ये फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को ये याद है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल सिग्मा में आ जाता है, फिर मैं फटाफट एक लाइन लिख लेता हूँ, क्यू को सिग्मा इंटू फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, फिर मैं ये बन जाता है मेरे से। आप याद कर सकते हो, रजिस्टर में नोट कर लेना, याद हो गया ठीक है, नहीं तो ये तरीका तो है ही है। सिमिलरली यहाँ पर भी चार्ज की जगह सिग्मा इंटू एरिया, ये आंसर, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी चार्ज, वो तो सेम आएगा, जो ये आंसर सेम है। तो वी क्लियर हो गया, तो अब हमें शेल के ऊपर छः क्वेश्चन आ सकते हैं, ई के तीन फॉर्मूलाज, शेल के बाहर, शेल के ऊपर, शेल के अंदर। वी के तीन फॉर्मूलाज, शेल के बाहर, शेल के ऊपर, शेल के अंदर, तो छः टाइप के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इसमें। बोलो, कर सकते हैं ठीक है यहाँ तक, पर यार मैं अगर ऐसा बोलूँगा ना, लोग चिढ़ जाएंगे, कहेंगे यार मेथड वन मेथड टू मेथड थ्री करता रहता है यार, एक आसान मेथड करा दो हम, तो वही ठीक है।
इतने मेथड भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे ना, पहले दो से लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो ये ग्राफ आता है पेपर में, बहुत आता है, मेंस, नीट, एनसीईआरटी किसी में भी आ जाएगा। क्या वी के रिजल्ट्स आ सकते हैं? वी देखो, एनसीईआरटी ये तो कहेगी ना शेल का, मैं ई तो दे दूंगी, वी नहीं दूंगी, तो वी भी दे देगी, यार क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये वी और आर है, तो आपको ये पता है कि जब तक आप शेल के अंदर हो टिल कैपिटल आर, तो वी की वैल्यू विल बी कॉन्स्टेंट, कितनी, 1/4 πε0Q/R, क्लियर है। लेकिन जब आप बाहर निकल जाते हो तो वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ग्राफ याद रहेगा, आपको याद है हमने ई का भी ग्राफ किया था, ई का ग्राफ तो स्टार्ट नहीं होता था यहाँ पे, क्योंकि ई अंदर जीरो होता था। अब ये आपको याद करना है, ई आपको ग्राफ पूछा जाएगा तो देखो आप ही को याद करना है, मैं तो बता चुका, वही तो बोल रहा हूँ कि इकट्ठे तो आप ही ने करना है टेस्ट, और कोई तरीका ही नहीं है। वी भी क्लियर है। अब चलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, लिख लेना या सॉलिड रहना रहेगा, सॉलिड स्फीयर, स्फीयर में तो खाली भी हो सकता है ना, तो सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग लिख लेना ब्रैकेट में, यहाँ पे लिख लेना दिस इज अ सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग इसलिए क्योंकि चार्ज वॉल्यूम के इनसाइड है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, ठीक। तो हमने ई का फॉर्मूला तो किया ही था, इसमें हमने ई का फॉर्मूला किया था अगर आपको याद होगा, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर क्यू चार्ज है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, रो वॉल्यूम वाइज, तो यहां पर ई का फॉर्मूला शेल वाला सेम था, तैयार कर लो। तो यहां पर आर डिस्टेंस पे ई का फॉर्मूला क्लियर है, 1/4 πε0Q/r² शेल वाला सेम ही तो है, सॉलिड स्फीयर का और शेल का फॉर्मूला स्मॉल आर डिस्टेंस दूर सेम है, राइट। तो यहां पर वी का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम, चलो एक टेंशन तो खत्म। तो शेल और सॉलिड स्फीयर में ई और वी के फॉर्मूले बाहर शेल के या स्फीयर के क्या रहते हैं, सेम, डन, सही। सरफेस के ऊपर सेम, सरफेस के ऊपर भी ई का फॉर्मूला पता ही है, वही सेम है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो वी का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, तो ई भी सेम, वी भी सेम, कोई डाउट? ये भी क्लियर है यहां तक, ओके। नेक्स्ट, पोटेंशियल इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, ये नॉट फॉर एनसीईआरटी ये वाला टॉपिक, मतलब प्रूफ इज नॉट फॉर एनसीईआरटी, प्रूफ इज नॉट फॉर कॉम्पिटिशन ऑल्सो, फिर डाला क्यों है, दिखाने के लिए, देखो ऐसा भी होता है, बताता हूँ क्यों डाला, कॉम्पिटिशन के लिए आता तो नहीं है, बट अगर आया तो क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता देता हूँ, आप जरा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। तो कॉम्पिटिशन में हल्का सा माइनर चेंज आ सकता है, अगर तो सीधा क्वेश्चन आ गया फिर तो फॉर्मूले से चल जाएगा काम, एक अगर उसने ट्विस्ट कर दिया तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, आपको मेथड सीखना पड़ेगा, मैं मेथड सिखाता हूँ। इसके स्टेप्स जो है समझने से पहले आप ये समझें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, वी, क्वेश्चन क्लियर है, मुझे वी निकालना है। सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है अगर बी, सरफेस के ऊपर वी का फॉर्मूला भी करवाया मैंने, 1/4 πε0Q/R, सरफेस का तो फॉर्मूला कर लिया हमने, लेकिन सरफेस पे नहीं निकालना, हमने कहाँ निकालना है, डी पे निकालना है, करें स्टार्ट। डी का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, छोटा आर है, राइट। अब मुझे ये पता है कि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, मान लो डी पॉइंट पे, अगर मैं ये पूछूं कि ई की वैल्यू कितनी है, तो ई का फॉर्मूला हमने किया था, याद है, रो आर बाय 3 ε0 फ्लक्स में, ये तो याद है, ई हमने इसके इनसाइड यहां पे कर लिया था, क्या निकालना है, वी, याद है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, तो मैं काम करूंगा डी वी इज माइनस ई डी आर, क्लियर है, लगा लूं, ये लिख लिया,
इंटीग्रेशन करूं, ई की जगह ये फॉर्मूला पुट कर लिया, क्योंकि इनसाइड लगा रहा हूं ये फॉर्मूला, कहां लगा रहा हूं, यहां लगा रहा हूं ये फॉर्मूला, तो इसके अंदर ई का फॉर्मूला तो क्लियर है आपको, आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट क्लियर है, अब लिमिट्स का खेल है सारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स ध्यान से। इमेजिन करो कि आप बी से डी पे आ रहे हो, इमेजिन करो आप बी से डी पे आ रहे हो, आपको मैं क्यों इमेजिन करूं, मैं इंफिनिटी से क्यों नहीं आ रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में लिमिट लगवाई थी इंफिनिटी से यार, अब कह रहे हैं बी से डी पे आ जा, मैं लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों किया। इमेजिन करो आप बी से डी पे आ रहे हो, या इमेजिन करो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो बी और डी का, आपको कहे लेकिन वो तो निकालना ही नहीं है, मेरे को तो डी का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा निकालना है। अब मेरे कहे पे दो मिनट ऐसा मानो कि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो बी और डी का, तो आप लिमिट क्या लगाओगे, वी बी और वी डी, मतलब मान लो आप बी से, इमेजिन करो कि आप बी से किसी भी चार्ज को, बी से किसी भी चार्ज को कहां पे लेके आ रहे हो, डी पे, आप चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हो, बी से डी पे, तो डी इज द फाइनल पोटेंशियल एंड बी इज द इनिशियल पोटेंशियल, मान लिया, तो ये आपका कौन सा पॉइंट माना जाएगा, इनिशियल, ये आपका कौन सा पॉइंट माना जाएगा, फाइनल, तो लिमिट क्या लगती है, इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल का पोटेंशियल कितना है, वी बी, और फाइनल का कितना है, वी डी, लगा लिया यहां पर, ठीक है। अब डिस्टेंस की लिमिट देख लें, जब वी बी है, बी पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे है, कैपिटल आर, तो बी पॉइंट कितनी दूरी पे है, कैपिटल आर, डी पॉइंट कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर, तो डी पॉइंट कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर, तो क्लियर है यहां तक, तो लिमिट्स लगा दी मैंने वी बी से वी डी, और कहां से कहां, कैपिटल आर से छोटा आर, तो यानी कि मैं कहां से कहां मूव कर रहा हूं, बी से लेके डी पे, ठीक है। ऐसा क्यों किया उसका आंसर देता हूं, पर अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया तो लिमिट लग गई, इसकी इंटीग्रेशन वी, वी बी से वी डी माइनस रो थ्री एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, आर डी आर की इंटीग्रेशन क्या है, आर स्क्वायर बाई टू कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो एक बार वी की जगह वी डी, एक बार वी बी, और यहां पर स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू और कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू, क्लियर है, पुट कर दिया, कोई याद नहीं करना कोई स्टेप, कोई टेंशन नहीं है, एंड फॉर्मूला याद करेंगे। तो यहां पर रो पुट करेंगे, रो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, चार्ज कितने है क्यू और वॉल्यूम कितना है, फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यू, क्लियर है, तो पुट कर दिया, इसको अगर सॉल्व किया, सॉल्व किया तो मेरे पास ये टर्म आ गई, पर मेरे को क्या निकालना है, वी डी, तो एक काम करते हैं वी बी को राइट साइड पे ले जाते हैं यहां पर, ये देखो, तो मेरे को इसमें क्या निकालना है, वी डी, तो वी बी को राइट साइड पे ये टर्म आ गई, और वी बी की वैल्यू तो सरफेस पे मुझे ऑलरेडी मालूम थी, मैंने पुट कर ली, तो सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके कॉमन निकाला, आपने ये याद रखना है बस। अब मैं आपको ये फॉर्मूला नोट कर लें, तो आपको ये प्रूफ नहीं पूछेगा वो, कोई टेंशन नहीं, मैंने क्यों करवाया मैं बताता हूँ, ये क्लियर है यहाँ तक, आपको फॉर्मूला ही पूछेगा, इतना बड़ा प्रूफ कौन पूछ रहा है यार कॉम्पिटिशन, एनसीईआरटी में वैसे ही पूछेगा नहीं, कॉम्पिटिशन में इतना करेगा कौन, राइट, फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला आया हुआ है कॉम्पिटिशन में, नीट और मेन्स में आया हुआ है ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि आ सकता है, आप पुराने पेपर में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये फॉर्मूला, राइट, और फिर वो ये पूछेगा सेंटर के ऊपर वी कितना है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे वी कितना है, सेंटर के लिए मैं क्या करूंगा, छोटे आर को जीरो, सेंटर के लिए छोटा आर क्या कर दूंगा, जीरो, तो ये डी पॉइंट कहां पर आ जाएगा, सेंटर पे, तो जैसे ही छोटा आर जीरो पुट करूंगा इस फॉर्मूले में, तो ये टर्म उड़ जाएगी, आंसर ये आएगा, तो ये फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के सेंटर के ऊपर ये वी का फॉर्मूला, कैसे याद करना है, जितना पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे होता है कितना होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय बड़ा आर, उसके 3 बाय 2 टाइम्स होता है आंसर, ठीक है। ग्रेविटेशनल में अर्थ पे पूछेगा क्वेश्चन, अर्थ के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम बाय आर, करेंगे ग्रेविटेशन में, उसके सेंटर पे क्या होता है, 3 बाय 2 टाइम्स होता है आंसर, ये प्रूफ है, ग्रेविटेशन में नहीं करते इसका प्रूफ, पॉइंट समझ में आया यहां तक, तो फॉर्मूले तो याद रहेंगे,
अब इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि उसको क्या सपने में आ रहा है बी और डी पॉइंट लेने हैं। इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया? क्योंकि शेल के केस में कहां लिमिट क्या ली थी? इन्फिनिटी से आर। इसमें नहीं ली। रीजन देखो, अगर आप इस सॉलिड स्फीयर के बाहर कहीं बात करते हो तो बाहर पोटेंशियल्स के फॉर्मूले डिफरेंट हैं और अंदर पोटेंशियल के फॉर्मूलास डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि बाहर ई डिफरेंट है, अंदर ई डिफरेंट है। तो दो अलग अलग रीजन्स हैं, अंदर बिल्कुल अलग फॉर्मूलास चल रहे हैं, बाहर अलग चल रहे हैं। हम दो रीजन्स को मिक्स नहीं कर सकते। अगर मैं ये लिमिट लगा देता हूँ इन्फिनिटी से छोटा आर, तो देखो रीजन चेंज हो रहा है, फर्स्ट रीजन सेकेंड, देखो दो रीजन चेंज हो गए। तो इसलिए हमने लिमिट इन्फिनिटी से आर नहीं लगाई, हमने बी से आर लगा ली। आंसर तब भी आ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है? दो रीजन्स की वजह से। जब रीजन चेंज होता है तो एक साथ कॉन्टिन्यूस लिमिट्स नहीं लगती, या तो ब्रेक करके लगाओ, लगाओ यहां से इन्फिनिटी से कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर, पर उतना कॉम्प्लेक्स हमने किया नहीं, तो हमने बी और डी के साथ काम कर लिया। नीट वाले तो भूल ही जाएंगे, प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लें काम था। मेंस वाले भी 99% फॉर्मूलास पे क्वेश्चन आएंगे, बट 1%, सिर्फ 1% अगर उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया। एडवांस में तो पक्का करता है, एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या आता है हर बहुत साल में आता है, मतलब हर साल आता ही रहता है ऐसा क्वेश्चन, वो आपको डी पॉइंट का पोटेंशियल पूछेगा। आपको कहेगा तो फॉर्मूला याद कर लिया हमने, आंसर नहीं, वो कहेगा पोटेंशियल निकालो, रो की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, रो कहेगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर है कुछ भी, तो आपको रो वो चेंज कर देगा। तो यहां पर रो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, मान लो रो की वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर है, तो पुट करनी पड़ेगी और फिर नई इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, बस ये फर्क होगा, मेथड विल रिमेन, बस यही फर्क है एडवांस में, मेंस में और नीट में। एनसीईआरटी में नहीं आएगा, एडवांस में आएगा, मेंस में प्रूफ नहीं आएगा और नीट में बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूले आएंगे। क्लियर है? आप मेंस का पेपर जो सॉल्व करने को दूंगा ना, तो आप देखेंगे उस पर सिर्फ ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, क्लियर है? ग्राफ, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं सॉलिड स्फीयर का, वी का, तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, इनसाइड वी का बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ये रहा, ये रहा। कौन ड्रॉ करेगा इसका ग्राफ? मेरे को नहीं आता, तो मैंने याद कर लिया, ये ऐसा ग्राफ है, व्हेन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो ग्राफ ऐसा है। हाँ, बाहर मुझे पता है अगर सॉलिड स्फीयर के बाहर आ जाते हो तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो ये रहा। तो आपको पेपर में मार्क करने को आएगा सॉलिड स्फीयर का ग्राफ प्लॉट करो वी का, ये ग्राफ है। समझ में आया? ग्रेविटेशन में आएगा, सेम ग्राफ है, ऐसा ही सेम हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ग्राफ तो वी के फॉर्मूले क्लियर है, ग्राफ भी क्लियर है। राइट, इसका मैंने वो नहीं बनाया यार, बनाया यार, कमाल है, मैंने बोला था यार मैं फ्री था, ये देखो मैंने फिर बनाया है ताकि याद कर सके स्टूडेंट की इतनी लंबी कहानी कौन पढ़ेगा, कॉम्पिटिशन में जाओगे तो इतनी लंबी कहानी कौन पढ़ रहा है, ये पढ़ोगे ना, तो क्या करो, आपको रजिस्टर भी ऐसे मेंटेन करने चाहिए ताकि आप फटाफट गो थ्रू करो, यही तरीका है। तो ये एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के बाहर वी का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के ऊपर वी का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के अंदर वी का फॉर्मूला, तीन फॉर्मूलास प्रूफ नहीं कर रहे हम। नेक्स्ट क्यू, क्यू क्या होता है? इसमें सिग्मा वाइज नहीं है, सॉलिड स्फीयर में रो वाइज है ना, डेंसिटी रो, तो रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। तो रो की जगह क्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? रो इनटू वॉल्यूम, तो इस क्यू की जगह रो इनटू वॉल्यूम आंसर। तो वी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रो, क्लियर है? नया फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी सेम, कैसे सेम? स्मॉल आर को, इस क्यू को क्या पुट किया? रो इनटू वॉल्यूम आंसर। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर छोटे आर को कैपिटल आर पुट कर दो आंसर, छोटे आर को कैपिटल आर, सरफेस के ऊपर आ जाओगे। और सॉलिड स्फीयर के अंदर तो वी का फॉर्मूला एक ही है, तो बन गए छह फॉर्मूलास, तो तीन फॉर्मूलास ई के, तीन फॉर्मूलास वी के, याद हो गए ये फॉर्मूलास, और सेंटर का अलग सातवां फॉर्मूला। बोला था ना आपको रजिस्टर भर जाएगा और बहुत फॉर्मूलाज हैं, ठीक, मतलब सेमीकंडक्टर्स के अंदर तो 20 फॉर्मूलाज इकट्ठे हैं, ऐसे 20 के 20 इकट्ठे एक मिनट में तैयार हो जाएंगे, आधे घंटे में, तभी तो कह रहा हूँ प्लस टू में तो फॉर्मूलाज याद हो जाएं, तो बंदा कहता है यार मेरे को प्लस टू की डिग्री दे दो यार, बस मैं प्लस टू से जाऊँ, इतने फॉर्मूलाज हैं, तो अच्छे खासे फॉर्मूलाज हैं। तो
तो इसका यही तरीका है, बार 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 रिवीजन, मिलते जुलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है। देखो प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन, चार बार करोगे कन्फ्यूजन नहीं होगी, तभी तो प्रिंसिपल पहले बता दिया था मैंने आपको। चार बार क्लियर दिखेगा, पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वह कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप टेंशन मत लो, मेरी पूरी गारंटी है पेपर में जाने से पहले आपको भूलने नहीं दूंगा। 100 टेस्ट, बार 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 टेस्ट ही होते जाएंगे, याद हो जाएगा, कुछ स्कूल वाले लेंगे कुछ हम लेंगे, बराबर हो गया फॉर्मूला, ठीक है यहाँ तक तो बढ़िया लगा रिजल्ट, ठीक है। कौन सा? ओ एक रह गया, लाइन रह गया भाई, लाइन रहेगी, लाइन लाइन चार्ज रह गया। लाइन चार्ज याद है गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन थी, हमने ई निकाला था। अब वो कहते हैं यहाँ पर क्या निकालो, वी लगाओ फॉर्मूला, ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, प्रूफ नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई की जगह पुट कर दें, लिमिट पुट कर दें, 1/r डी आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग आर टू दी बेस ई, आंसर। एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला, क्लियर है? तो बढ़िया है, तो आज काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलाज कर लिए पर हमने इसकी एप्लीकेशन नहीं की। शेल्स और स्फेयर बताने में एक लेक्चर लग गया कि ये ऐसा होता है, क्वेश्चन तो किया ही नहीं कोई भी, अभी तो बताया है, अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस तब करेंगे जब इसके फॉर्मूलाज याद होंगे, जब फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन में कहाँ से लगाओगे, है ना प्रॉब्लम? सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि टाइम क्या हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ना शेल और स्फीयर मिक्स चलेगा। अभी आ रहा है टेस्ट, ये ले घंटी मार दी, अब टेस्ट आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम आपका जो टेस्ट होगा ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और शेल और स्फीयर के फॉर्मूलाज का होगा। मैं आपको फॉर्मूलाज दूंगा लिखने को, टेस्ट ले आओ, फॉर्मूलाज दूंगा लिखने को, आप शेल और स्फीयर के सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे ई और वी के, तो याद हो गए, एक नंबर का एक फॉर्मूला, 10 फॉर्मूले 10 नंबर, नहीं याद करोगे 10 गए, याद कर लोगे तो 10 बदल 10 आएंगे, और तरीका क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं। सही बोल रहा हूँ ना? ठीक, तैयारी करना। टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने का टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है।